हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नेम बताने वाली हूँ जिनके पास से बेबी प्लांट निकलते हैं और आप एक प्लांट से ही ढेर सारे प्लांट अपने घर पर फ्री में तैयार कर सकते हो। और इन सभी प्लांट में आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल कम केयर में ये प्लांट चलने वाले हैं। सो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। तो यहाँ पर देखिए, मेरे सामने सबसे पहले हमारा जो प्लांट है मदर ऑफ थाउजेंड जो प्लांट होता है, देखने में बहुत ही सुंदर होता है। इसकी पत्तियाँ गद्दे वाली होती हैं, साइनिंग वाली होती हैं, लेकिन इनका आकार थोड़ा छोटा होता है। इसमें बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाती हैं। इस प्लांट पर क्या होता है कि इसके छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और ये जिस जगह पर भी गिरते रहते हैं वहीं पर इनका न्यू प्लांट खुद से ही तैयार होता रहता है। इस प्लांट को सिर्फ मिट्टी चाहिए होती है, बाकी ये खुद ही बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। इसमें आपको पानी कम डालना होता है। आप इसे इंडोर में भी रख सकते हो और धूप में भी आप इसको रख सकते हो। वेल ड्रेन मिट्टी रखिए, रेत वाली, ताकि आपके प्लांट में पानी ना जमे। अगर इसकी जड़ों में पानी रुकता है तो ये गलने लग जाता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा बोस्टन फर्न। फर्न जो प्लांट होते हैं इनकी भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं और ये भी एक ऐसा प्लांट है कि एक प्लांट लेकर ही आपके पास ढेर सारे प्लांट इसके तैयार हो सकते हैं, क्योंकि इसके पास से छोटे छोटे प्लांट, बेबी प्लांट बल्ब से निकलते रहते हैं। तो आप चाहें तो इन्हें एक प्लांट से निकाल निकाल कर अलग भी लगा सकते हो और इस प्लांट को आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हो, इंडोर में भी आप रख सकते हो, इसको धूप में भी रख सकते हो। जल्दी से ख़राब नहीं होता है, बस सर्दियों में इसकी थोड़ी पत्तियां गिरना शुरू हो जाती हैं। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ करता है। सो नेक्स्ट प्लांट है हमारा मैक्सिकन पिटोनिया। मैक्सिकन पिटोनिया के आपको कलर बहुत सारे मिल जाते हैं। सर्दियों में इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, लेकिन इसके पास जो भी बेबी प्लांट होते हैं वो निकलते रहते हैं। इस प्लांट के ऊपर जब फूल आते हैं तो फूल आने के बाद इस पर छोटी छोटी फलियां निकलती हैं और उन फलियों में से जो बीज होता है वो जिस जगह पर भी गिरता रहता है वहीं पर इसके छोटे छोटे प्लांट खुद से ही तैयार होते रहते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, सिर्फ एक प्लांट आप लाइए इसका नर्सरी से। और सबसे अच्छी बात है कि ये प्लांट फूल भी देता है, हैंगिंग पॉट में भी आप इसको लगा सकते हो और इसके कलर भी आपको मिल जाते हैं। इसमें वाइट कलर भी होता है, पर्पल भी होते हैं, येलो भी होते हैं। कटिंग से बहुत इजी चल जाता है, पूरा दिन की धूप में भी आप इसको रख सकते हो और शेड जगह पर भी आप इसको रख सकते हो। नेक्स्ट प्लांट है हमारा रियो प्लांट। रियो एक ऐसा प्लांट है जिसकी पत्तियां देखने में बहुत सुंदर होती हैं, डबल शेड में होती हैं। ये नीचे से पर्पल कलर में होती हैं और ऊपर की साइड से ग्रीन होती हैं। इसके पास से ढेर सारे बेबी प्लांट निकलते हैं जिन्हें आप निकाल के बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हो। इसे बोट लिली भी बोलते हैं। बोट लिली इस प्लांट को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो फूल आप देख रहे हो ये बिल्कुल बोट की शेप में रहते हैं। इस प्लांट को आप धूप में भी रख सकते हो, शेड में भी रख सकते हो, हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हो और किसी भी तरीके के पॉट में लगा सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। 15 दिन में, 20 दिन में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते रहिए नीम खली से और वर्मी कंपोस्ट से बनाकर, उसी से ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। सो नेक्स्ट प्लांट है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट जिस जगह पर आप लगा देते हो इसे सिर्फ मिट्टी चाहिए होती है और इसके पास से जो छोटे छोटे रनर निकलते रहते हैं इनमें से आप एक प्लांट से ही कितने ही तैयार कर सकते हो। हैंगिंग पॉट में ये प्लांट लगा हुआ बहुत सुंदर लगता है। इसके आसपास बस थोड़ी नमी बनी रहनी चाहिए। अगर आप इसे बहुत सारे प्लांट के बीच में रखते हो तो ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करता है और इसकी पत्तियों का साइज भी बहुत बड़ा होने लग जाता है। तो अगर आप इसको प्लांट को लगाना चाहते हो तो इसे प्लांट के झुंड में रखिए ताकि दो चार प्लांट होंगे और इसे आसपास से नमी मिलती रहेगी।
सो ये प्लांट को भी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। 15 दिन में 20 दिन में बस लिक्विड फर्टिलाइज़र आप डालते रहिए। नेक्स्ट प्लांट है हमारा अगेव। अगेव भी एक ऐसा प्लांट है जो कि पूरे साल चलता है, हरा भरा रहता है और बहुत ज़्यादा केयर करने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ती है। धूप में भी रख सकते हो, छाया में भी रख सकते हो, कभी ख़राब नहीं होता है। और एक प्लांट से ही आप इसके इतने सारे प्लांट तैयार कर सकते हो, क्योंकि इसके पास से छोटे छोटे प्लांट निकलते रहते हैं, जिन्हें निकाल कर आप कहीं पर भी लगाओगे तो ये प्लांट बहुत जल्दी से ग्रोथ करता है। मैंने इसके ये सभी प्लांट तैयार किए हुए हैं इसके बेबी प्लांट से ही। और अगर आप इसको कुंडे टाइप के पॉट में लगाओगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं वो चारों साइड को फैलती हैं। इसमें ज़्यादा खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पानी भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप इसमें 20 दिन में 25 दिन में गोबर की खाद अगर डालते रहोगे तो उसी से इसकी पत्तियाँ अच्छी होती रहती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट प्लांट है हमारा विंका। सदाबहार भी बोलते हैं, सदाबहार इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पूरे साल इसी तरीके से फ्लावरिंग करता रहता है। प्लांट कभी ख़राब नहीं होता है। इसके कलर भी होते हैं मर्जेंटा, वाइट एंड पर्पल कलर में भी होता है। इसके बेबी प्लांट तो नहीं निकलते हैं, लेकिन ये ऐसा प्लांट है कि अगर आप एक बार कहीं से ले आओगे तो इसके ऊपर ही बीज बनता रहता है, फली बनती रहती हैं, और वो फली जिस जगह पर भी गिरती रहती हैं तो इसके ढेर सारे प्लांट आपके घर पर फ्री में तैयार हो जाते हैं। इसके फूलों को आप पूजा में भी चढ़ा सकते हो, बहुत ही अच्छे होते हैं और ढेर सारे फूल ये प्लांट देता है। पूरा दिन की धूप में आप इसको रख सकते हो, बिल्कुल ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, कटिंग से भी इजी चल जाता है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा सुदर्शन प्लांट। सुदर्शन प्लांट देखने में बहुत सुंदर होता है, इसकी पत्तियाँ ग्रीन होती हैं। इन प्लांट को सिर्फ नाइट्रोजन वाली खाद चाहिए होती है, जैसे कि वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। यहाँ से देखिए इसके इस तरीके से बेबी प्लांट निकलते हैं, जिन्हें आप निकाल कर अलग दूसरे पॉट में लगा सकते हो तो आपके पास कई सारे प्लांट घर में ही तैयार हो जाएंगे। इस प्लांट को भी आप कुंडे टाइप के पॉट में लगाइए और धूप में भी रख सकते हो, छाया में भी रख सकते हो, बहुत जल्दी से ये ख़राब नहीं होता है। बस पानी कम डाल दिए, जब आपको लगे कि मिट्टी सूख चुकी है आपको इसमें तभी पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी डालने से इसकी पत्तियाँ गलने लग जाती हैं, ख़राब होने लग जाती हैं। सो नेक्स्ट है हमारा पत्थरचट्टा। पत्थरचट्टा प्लांट भी देखने में बहुत सुंदर होता है, इसकी पत्तियां बहुत ग्रीन ग्रीन होती है और काफ़ी बड़े साइज की होती हैं। ये प्लांट ऐसा है कि इसकी अगर एक पत्ती को भी आप मिट्टी में लगा दोगे तो इसकी पत्तियों में से भी न्यू प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं और इसके बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। तो एक प्लांट से ही आप इसके ढेर सारे प्लांट तैयार कर सकते हो। इस प्लांट में भी पानी कम डालने ना होता है, क्योंकि अगर इसमें पानी ज़्यादा डलता है तो इसकी पत्तियां ख़राब होने लग जाती हैं, गलने लग जाती हैं। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।